बुलंदशहर जनपद के थाना गुलावटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 शातिरअंतर जनपद दिए वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की हुई 2 मोटरसाइकिलें और 5 स्कूटी और अवैध असलाहा बरामद होने का दावा किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर मेरठ बुलंदशहर हाईवे स्थित गुलावटी क्षेत्र में जिंदल फैक्ट्री के पास रेलवे लाइन के निकट बने एक गड्ढे में चोरी किए हुए वाहनों के साथ छिपे हुए हैं। क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह पकड़ा गया है, क्या समझ? ये बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं जो अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इसका जो गैंग लीडर है फैजान, वो गिरफ्तार किया गया है, लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। 2 साथी अमित और पिंटू जनपद बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अवैध असलाह तमंचा कारतूस आदि भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। जो गैंग लीडर फैजान है उसके विरुद्ध 1 दर्जन के आसपास मुकदमे वाहन चोरी से संबंधित अलग अलग जनपदों में दर्ज है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस